आनंद किचन में स्वागत है दोस्तों आपका। और आज हम बनाएंगे बहुत ही यमी और टेस्टी मोदक। मोदक गणपति जी को बहुत पसंद होते हैं और हम गणेश चतुर्थी पर इनको स्पेशली बनाते हैं। मैं आपको बिल्कुल ऑथेंटिक ट्रेडिशनल वे में मोदक कैसे बनाए जाते हैं उनका तरीका बताऊंगी। अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको तीन तरीकों से मोदक बनाना सिखाऊंगी, किस तरीके से आप हाथों से भी बिना मोल्ड के मोदक को बना सकते हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं आपको सारे टिप्स एंड ट्रिक बताऊंगी जिससे आपके मोदक एकदम परफेक्ट बनेंगे। आई एम श्योर रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी दोस्तों, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हिट कीजिए बेल आइकन को, ताकि आप मेरे आने वाले किसी भी वीडियो को मिस ना करें। तो अभी बातें बंद करते हैं और रेसिपी को शुरू करते हैं। दोस्तों मैंने गैस पर कढ़ाई रख ली है, तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 कप पानी, साथ में मैं डालूंगी 1/4 कप दूध। तो टोटल हमारा 1/4 कप लिक्विड हो चुका है। मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून नमक, बिल्कुल ऑप्शनल है ये, 1 टीस्पून देसी घी। बहुत ही अच्छे से सभी चीजों को हम स्टर करेंगे और अभी हम इसमें एक उबाला आने देंगे। ये देखिए दोस्तों, पानी में अच्छे से उबाल आ गया है, घी भी अच्छे से पिघल गया है। हमें तेज गर्म पानी ही रखना है, तो ऐसे में मैं अब डालूंगी 1 कप राइस फ्लावर। आपको प्रोपोर्शन ध्यान रखने हैं। मैंने 1/4 कप लिक्विड लिया है दूध और पानी मिक्स करके, और उसमें हमने 1 कप राइस फ्लावर डाला है। अभी हम बहुत अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। गैस को मैं सिम कर देती हूँ। बस तो अब मैं गैस को यहाँ पर बंद कर दूंगी और एक लिड के साथ हम अपने मिक्सचर को कवर करेंगे। इसको ऐसे ही हम 10 मिनट रेस्ट करने देंगे, तो स्टीम से जो हमारा आटा है बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा। दोस्तों 10 मिनट हो चुके हैं, चलिए चेक कर लेते हैं हमारा डो अभी कैसा है। ये देखिए ये काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है, ये देखिए। तो हम इसे एक बॉल में निकाल लेते हैं और फिर हम इसको नीड करेंगे बहुत अच्छे से। तो ये मिक्सचर को मैं एक बॉल में निकाल लेती हूँ। अभी हाथों पर हम थोड़ा सा घी लगा लेंगे और बहुत अच्छे से इस आटे को हम नीड करेंगे। ये नीडिंग का जो प्रोसेस है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल ठंडा करने पर भी हमें नहीं करना है, हल्का सा गुनगुना होना चाहिए आटा। ये देखिए दोस्तों, 5 मिनट हो चुके हैं मुझे इस आटे को नीड करते हुए, काफ़ी ये बाइंड हो गया है, लेकिन अभी हमें और स्मूथ बनाने की ज़रूरत है इसको। परफेक्ट अभी कंसिस्टेंसी नहीं है इसकी, तो मैं यहाँ पर 1 टीस्पून देसी घी डाल रही हूँ और अभी हम इसको घी लगाकर अच्छे से और नीड करेंगे, ताकि एकदम मुलायम बहुत ही बढ़िया हमारा ये आटा बनकर तैयार हो जाए। मोदक बनाने में सबसे ज़्यादा जो स्पेशल है वो है इसका आटा। अगर आपने ये ठीक से लगा लिया तो आपके मोदक एकदम परफेक्ट बनेंगे। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, एकदम हमारा स्मूथ ये डो बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए हम फटाफट से अपनी स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो दोस्तों स्टफिंग बनाने के लिए मैंने एक पैन को गैस पर रख लिया है। मैं सबसे पहले डाल रही हूँ 1 टीस्पून देसी घी। घी मेल्ट हो चुका है, तो मैं डाल रही हूँ 1 कप ग्रेटेड कोकोनट। यहाँ मैंने फ्रेश कोकोनट लिया है जिसको हमने छिलका उतारने के बाद ग्रेट किया है, तो एकदम व्हाइट पोर्शन रखा है। जो कोकोनट का ब्लैक पोर्शन होता है उसको मैंने बिल्कुल निकाल दिया है। साथ में ही मैं इसमें मिलाऊंगी गुड़, तो यहाँ मैं डाल रही हूँ 3/4 कप गुड़। गुड़ को मैंने थोड़ा सा कूट लिया है। अगर आप मीठा ज़्यादा तेज खाते हैं तो गुड़ की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, उसे आप 1 कप तक भी कर सकते हैं। अब हम नारियल और गुड़ को दोनों को साथ में भूनेंगे, जब तक कि ये एकदम बहुत बढ़िया एक हमारा मिक्सचर ना बन जाए।
यहाँ पर हमें पेशेंस रखनी होगी, इसमें टाइम लगेगा भूनने में हमें दोनों चीज़ों को। ये देखिए दोस्तों, गुड़ एकदम अच्छे से मेल्ट हो चुका है, एकदम बहुत बढ़िया ऐसा लग रहा है स्टफिंग बनने वाली है। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा और भूनूंगी। इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए मैं डाल रही हूँ इलायची पाउडर। दोस्तों स्टफिंग हमारी रेडी है। अभी थोड़ा आपको लग रहा होगा ये लिक्विड है, लेकिन जब ये जैसे गुड़ ठंडा हो जाएगा तो एकदम ये सारी स्टफिंग साथ में आ जाएगी। तो मैं गैस को बंद कर देती हूँ। तो दोस्तों हमारा डो भी तैयार है, हमारी स्टफिंग भी तैयार है, चलिए मोदक बनाना शुरू करते हैं। तो डो में से मैं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से पेड़ी ले लूँगी और ऐसे छोटी छोटी इसकी मैं लोई बना रही हूँ। अभी आप समझ जाओगे मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। तो मैं एक बार में 6 लोई बना लेती हूँ। देखिए कितना सॉफ्ट और मुलायम हमारा डो है, एकदम बढ़िया हमारी लोई बन रही है इसकी। अभी मेरे पास है ये मोल्ड, तो मैं मोल्ड में बहुत अच्छे से देसी घी लगा देती हूँ। देसी घी लगाने से मोदक हमारे बिल्कुल भी चिपकेंगे नहीं और उनमें बहुत बढ़िया शाइन आएगी जब हम उनको स्टीम करेंगे। तो दोनों ही साइड्स पर मैं लगा रही हूँ। इस वाले मोल्ड की खासियत ये है कि एक बार में हमारे 3 मोदक बनकर तैयार हो जाते हैं। तो अब ये जो मैंने छोटे छोटे लोई बनाई थी, हाथ से ऐसे मैं इसको थोड़ा सा फ्लैट करूँगी और इस तरह से इसमें मैं लगा दूंगी, सेट कर दूंगी अच्छे से। ये देखिए हमने सबको लगा दिया है। तो मैं इस मोल्ड को बंद कर दूंगी और अभी हमें सारा एक्स्ट्रा साइड्स पर से मैं निकाल देती हूँ पोर्शन। अभी हमें उंगली की हेल्प से इसको बहुत अच्छे से चारों तरफ पेस्ट करना है ताकि कहीं पे भी कोई भी गैप ना रहे। तो अच्छे से मैं साइड्स पर कर रही हूँ। ऐसा करने से जो हमारा मोदक है उसका आउटर लेयर भी एकदम पतला हो जाएगा और स्टीम होने के बाद वो बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए, तो साइड्स पर से जहाँ से जॉइंट है वहाँ से हमें अच्छे से पेस्ट कर देना है ताकि मोदक एकदम स्मूथ हो जाए। मैं बहुत अच्छे से प्रेस कर रही हूँ, उससे डिज़ाइन बहुत बढ़िया बन जाएगा। ये देखिए, अब जो हमने अपनी ये स्टफिंग तैयार की थी, अच्छे से मैं स्टफिंग इनमें फिल कर देती हूँ। थोड़ा थोड़ा ऊपर हम गैप छोड़ेंगे ताकि उसमें हम वापस थोड़ा सा डो फिल कर सकें और मोदक हमारा पूरा सील हो जाए। अभी मैं यहाँ से थोड़ा सा डो लेकर ऐसे फ्लैट करके इसको सील कर दूंगी। थोड़ा सा डो ये देखिए अंदर डाला और ऐसे प्रेस किया, जितना भी एक्स्ट्रा है उसको हम निकाल देंगे और एकदम इसको स्मूथ लुक देंगे। अभी मैं इसको खोल लेती हूँ। जो साइड्स पर एक्स्ट्रा है इसको हम निकाल देंगे। देखिए कितना एकदम ऐसे बढ़िया हमारा मोदक बनकर तैयार है। ये जो साइड पर पतला पतला हिस्सा है इसको भी हम ऐसे फ्लैट कर देंगे। ये देखिए, लेकिन अगर आपके पास ऐसा मोल्ड ना हो तो आप हाथ से किस तरह से बनाएं, चलिए मैं अब आपको वो बताती हूँ। तो दोस्तों हमने मोल्ड से तो मोदक बना लिया, मैं आपको हाथ से मोदक बनाकर दिखाती हूँ। इस तरह से हम थोड़ा सा डो लेंगे, इसकी एक हम राउंड बॉल बना लेंगे बहुत बढ़िया तरीके से, ऐसे प्रेस करेंगे और अब साइड्स पर से एजेस पर से मैं इसको ऐसे प्रेस करना शुरू करूँगी। हल्के हल्के हाथों से देखिए, एजेस हमें एकदम पतले रखने हैं
और थोड़ा सा इस तरह से हम कटोरी जैसे नीचे बनाते चले जाएंगे। इसको हम एकदम पतला रखेंगे, ये देखिए ऐसे। स्टफिंग आपकी तभी अच्छे से आएगी अगर आप इसकी आउटर एजेस को एकदम पतला बनाएंगे तो। इस तरह से मैंने बना लिया। अभी मैं इस पे साइड्स पे पतले पतले प्लीट्स बनाऊंगी। ये देखिए इस तरह से हम प्लीट्स बना लेंगे। बहुत आसान है बनाना इसको, बच्चे भी कर सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल हल्के हाथों से हम ऐसे प्लीट्स बनाएंगे। अब बीच में जो स्टफिंग की जगह बन गई है इसमें हम अपनी स्टफिंग रख लेते हैं। और अब इसको धीरे धीरे ऐसे हम फोल्ड करेंगे। देखिए एकदम बढ़िया ही मोदक की शेप बन गई है। तो दोस्तों हमने दो तरीके से मोदक बनाने देखे, अभी मैं आपको तीसरे तरीके से भी बताती हूँ। अगर आपको प्लीट्स में भी मुश्किल है तो आप क्या करें, इस तरह से थोड़ा सा दो का आप सेक्शन लीजिए, थोड़ा छोटा कर लेती हूँ, करीब एक लड्डू जितनी हमें बॉल ले लेनी है। हल्का सा हाथों से प्रेस करेंगे, ऐसे सेंटर में अंगूठे से प्रेस करेंगे और साइड्स पर से भी इसको हम प्रेस करेंगे एकदम पतला पतला। ये देखिए एकदम ही हमने एक राउंड बॉल बना लिया है। तो मैं इसमें स्टफिंग रख देती हूँ बीच में। अभी हल्के हाथों से इसको हम फोल्ड करेंगे इस तरह से कि ऊपर से एकदम सील हो जाए। और अब इसको हम एकदम स्मूथ अपने हाथों से ऐसी एक शेप देंगे, मोदक जैसी शेप। बहुत इजीली बन जाती है, ये देखिए। थोड़ा इसको हम स्मूथ कर लेंगे। अब मैं एक ऐसे बटर नाइफ लूंगी और इस पे हम ऐसे कट्स लगा देंगे, हल्के हल्के, बहुत डीप कट लगाने की जरूरत नहीं है हमें। ये देखिए, नहीं तो स्टफिंग बाहर आ जाएगी जब हम इनको स्टीम करेंगे। तो हल्के हल्के कट हम लगाएंगे और इस तरह से एक मोदक का डिजाइन इस पे बन जाएगा। ये देखिए इसी तरह से हम सारे मोदक बना सकते हैं। मैंने आपको तीन तरीके से मोदक बनाकर दिखाए, आपको जो भी तरीका ठीक लगे उस तरीके से आप मोदक को तैयार कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों हमने सिर्फ एक कप राइस फ्लावर लिया था और ये कितने सारे मोदक हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। चलिए हम इन्हें फटाफट स्टीम कर लेते हैं। दोस्तों मैंने स्टीमर को गैस पे रख लिया है, मैं थोड़ा सा घी लगा दूंगी। ऐसा करने से मोदक बिल्कुल भी चिपकेंगे नहीं और बहुत आसानी से बाहर आ जाएंगे। तो चलिए हम मोदक को स्टीम होने के लिए रख देते हैं। ये देखिए सारे मोदक एक बार में आ गए हैं, कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये। अभी मैं इनको ढक दूंगी और हम इन्हें 10 से 15 मिनट के लिए स्टीम होने देंगे। दोस्तों मोदक को स्टीम होते हुए 10 मिनट हो चुके हैं, चलिए चेक कर लेते हैं। वाओ देखिए कितने बढ़िया मोदक बने हैं। ये देखिए इनमें बहुत बढ़िया शाइन आ गई है, तो इससे पता लगता है कि ये पक चुके हैं। चलिए फटाफट हम इन्हें सर्व कर लेते हैं। दोस्तों मैंने सारे मोदक एक प्लेट में निकाल लिए हैं। यहाँ मेरे पास थोड़ा सा देसी घी है जिसमें मैंने केसर को भिगा दिया था, तो मैं सभी मोदक के ऊपर थोड़ा थोड़ा देसी घी डाल दूंगी।
तो तैयार है गणपति जी के लिए ये मोदक। आई एम श्योर दोस्तों रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग रेसिपीज के लिए देखते रहिए ऑरम्स किचन।